हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर सुबह सुबह मैं ऑयलिंग कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऑयल नहीं लगाया था बालों को। जब से हेयर कलर किया था और कैरेटिन किया था उस टाइम से तो ऑयल लगाया ही नहीं था। और यहाँ पर ये जो ऑयल है वो एल्ब्स गुडनेस का ऑयल मैं लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये वाला ऑयल। एक्चुअली उसमें ना वो होता है, मतलब जड़ी बूटी टाइप का है, तो इसी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो वाला ऑयल। तो इसी वजह से कभी कभी मैं वो वाला ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं मसाजर से मसाज कर रही हूँ। जो मसाजर मेरे पास, ये इजीली लोकल मार्केट में मिल जाता है ये वाला मसाजर, जो आप देख सकते हो ये वाला तार वाला मसाजर होता है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, बहुत रिलीफ मिलता है इससे। ऐसा लगता है जैसे फिंगर से मसाज कर रहे हो आप सिर की, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इससे। तो इसी वजह से मैं कभी कभी ये यूज़ कर लेती हूँ। क्यों, आपने क्या किया? अच्छा, माई दिख रही थी टीवी, तो भाई ने टीवी का वॉल्यूम कम कर। क्या, छोटा सा बच्चा कहाँ है? छोटा सा बच्चा झगड़ा किया, टकला किया, टकला किया, दूध भी पिया। नीचे उतरो बेटा, इधर आओ। क्या कर रहे थे आप? मैं तो दिखलाता तुमको कैसे समझाऊं? कैसे समझाए? कॉकरोच से समझाओ। तुमके बाजू में? हाँ, तुमके बाजू। किसके बाजू में है? तुमके बाजू में कॉकरोच है? कॉकरोच नहीं है वो। एक मिनट, कौन सा है कॉकरोच? ये कॉकरोच है उसके। हाँ हाँ वो, ये देखो क्या है ये। चलिए, मैं करने वाली हूँ डिनर की तैयारी अब, और बनाते हैं। एक्चुअली आज पता नहीं, इनको पूछा मैंने तो ये बोल रहे थे अभी ड्यूटी ही गया है, सब्जी बनानी बाकी है। तो सब्जी में बनने वाली है आज अंडा करी। एक्चुअली इनको पूछा मैंने पहले था कि ये आने के बाद करेंगे, बट ये आए नहीं अभी तक, तो इसी वजह से हम ही करने वाले हैं। तो श्रीकांत मेरी हेल्प करने वाला है अब। तो श्रीकांत मसाला रेडी कर रहा है और मैं यहाँ पर अंडे बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पर एक बॉईल हो रहा है एक बॉयलर में, अभी निकालना नहीं है सर। हाँ, बीच में निकाल नहीं सकते वो इसी वजह से। तो जब बॉईल हो जाएंगे तब ये करूँगी। मसाला रेडी हो चुका है शायद, मसाला रेडी हो गया है ना? यहाँ पर मसाला रेडी हो गया है, श्रीकांत ने भूना है मसाला, तो उसकी अंडा करी बनेगी। और चलिए फिर थोड़ी देर में अंडा करी बनाती हूँ। जब तक श्रीकांत मसाला ग्राइंड कर रहा है तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर अंडा करी बनाती हूँ। आप लोग बताइए किस किस को वाटरमेलन पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये ला नहीं रहे थे ना, मतलब इनका क्या हो रहा था कि ये सुबह सुबह ड्यूटी जा रहे थे, तो उस टाइम इनको कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी वाटरमेलन की, तो ये नहीं ला रहे थे। और जब ये ड्यूटी से वापस आते थे तब सारी जो मतलब मार्केट है वो बंद हो चुका होता था। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुबह सुबह से जो मार्केट है 12 बजे तक ओपन रह रहा है, तो इसी वजह से वो सुबह सुबह अभी क्या कर रहा है, वो सुबह जो भी लेना है ड्यूटी जाने के टाइम सुबह ही लेके ड्यूटी लेके जा रहे हैं, वहाँ पर रख रहे हैं, और फिर आने के टाइम वो लेके आ रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि वहाँ पर जाने के बाद उनको लगता था कि जाने के टाइम लेंगे, बट जाने के टाइम मार्केट बंद हो चुका होता था, तो ये कुछ भी लाते नहीं थे। तो अभी ला रहे हैं सब कुछ जो भी मतलब मिल रहा है मार्केट में वो लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा हो रहा है कि फ्रूट्स वगैरह ला रहे हैं घर में, मतलब फ्रूट्स वगैरह घर में आ रहे हैं हमारे। तो क्योंकि वाटरमेलन, अगर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और वाटरमेलन घर में ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता, और उसके बिना तो समर इनकम्प्लीट है। इसी सीज़न में तो मिलता है यार, इसी सीज़न में तो ये वाली चीज़ें खाने के लिए मिलती है, और इस सीज़न में ना मिले तो फिर पछतावा होता है, मतलब एक साल उसका वेट करना पड़ता है। ऐसे अभी सारी चीज़ें मिलने लगी है हर सीज़न में, बट जो टेस्ट समर में आती है, जो सीज़न वाइज जो टेस्ट आती है फ्रूट्स की, तो वो टेस्ट नहीं आती है उसकी जो बीच में मिलते हैं। आप ऑरेंज वगैरह देख लो, ये किसी भी फ्रूट्स का वैसा ही है, मतलब सीजन के वगैरह आप खाते हो तो वो फ्रूट्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपके दिल के लिए, आप दिल के तसल्ली के लिए आप खाते हो कि आप खा रहे हो करके। तो यहाँ पर बच्चों को दे दिया है वाटरमेलन काट के और मैंने, और जो वाटरमेलन के और चाय के कप्स वगैरह पड़े थे तो वो लगे हाथ क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि वैसे ही पड़े रहते हैं फिर ये वाले कप वगैरह
आजकल लगे हाथ सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ तो कुछ इतना पता नहीं चल रहा है, और इसी में टाइम जा रहा है यार, कामों में ही सारा टाइम चला जा रहा है तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चल रहा है। कामों में टाइम निकल जा रहा है, खाने में टाइम निकल जा रहा है, लॉकडाउन की वजह से ना बिल्कुल कामों में बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग मतलब घर में अंदर बैठे हैं या कुछ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। टाइम तो ऐसे निकल जा रहा है जैसे चुटकियों में टाइम निकल जा रहा है। और हाँ, मैं आज की डेट आपको बताना भूल गई, आज की डेट है 1 अप्रैल, आज अप्रैल फूल का डे है। और अप्रैल फूल आप लोगों ने बनाया कि नहीं किसी को? एक्चुअली अप्रैल फूल पे मतलब वो था मनाई थी, मतलब अप्रैल फूल आप बनाने के लिए मनाई थी, बट बहुत लोगों ने बनाया है यार, मुझे तो बहुत लोगों ने बनाया है अप्रैल फूल, बट इतना सीरियस हो के नहीं था वो, मतलब ऐसे ही मजाक में। तो ऐसे करके बनाते ही है, फ्रेंड्स तो ऐसे ही होते हैं, फ्रेंड्स तो बनाते ही है अप्रैल फूल, उनको तो बंदी आए या कुछ भी हो, मतलब वो इतना सीरियस हो के नहीं बनाते हैं, जैसे कुछ जान पे आ जाए किसी के या कुछ होता है वैसे नहीं बनाते हैं, एकदम से छोटी सी मजाक और फिर बता देते हैं कि अप्रैल फुल है करके। तो ऐसा तो चलता है यार, उतना तो चलता ही है। तरबूज काट के दे दिया है बच्चों को और रूटीन तो पूरा ही बिगड़ चुका है यार लॉकडाउन की वजह से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से टाइम पे क्या कर रहा है, मतलब उठ कौन से टाइम पे रहा है, नहा कौन से टाइम पे रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। सभी का ऐसे हो रहा होगा, पता नहीं मेरा ही हो रहा है या सभी का हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आप लोगों का भी ऐसे ही हो रहा है क्या, मतलब नहाने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, खाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब कितनी बार खा रहा है ये तो खुद को ही नहीं पता है, मतलब हेल्दी खा रहा है बस बीच बीच में कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। फिलहाल तो ये हो रहा है मेरे घर पे अभी, और आप लोगों के घर पे क्या हो रहा है, आप लोगों का भी रूटीन ऐसे ही मेरी तरह बिगड़ चुका है या नहीं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, चलिए डिनर बना के तैयारी करते हैं, डिनर बनाती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एक्चुअली अंडा करी बनाने के लिए श्रीकांत ने मसाला भून लिया था, मतलब मसाला भुना था और उसको पीसा था, तो मसाला तो श्रीकांत ने रेडी कर दिया था। मैंने अब सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है ऑयल में और उसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद ये जो मसाला है श्रीकांत ने ग्राइंड किया था तो ये मैं उसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली उसमें ना ये तो मसाला मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है, बट आप लोगों को अगर नहीं पता है, कोई कोई न्यू ज्वाइन हुआ है मुझसे तो उनको नहीं पता होगा ये मसाला कैसे रेडी करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले प्याज को अच्छे से भूनना है और उसको ठंडा होने देना है, सूखा नारियल लेना है, सूखे नारियल के पीसेस कर लेना है, उसको भी अच्छे से भून लेना है और थोड़ा सा ऑयल डाल के, प्याज को भी थोड़ा सा ऑयल डाल के भूनना है और उसको भी थोड़ा सा ऑयल डाल के भूनना है, और जो खड़े मसाले होते हैं थोड़ा सा उसको भी ऑयल डाल के भूनना है। ये सारी चीज़ें भून जाने के बाद उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आपको पानी डाल के थोड़ा सा, तो रेडी हो जाएगा हमारा अंडा करी के लिए मसाला। और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब ऑयल छोड़ने तक हमें अच्छे से उसे भून लेना है। कोई भी मसाला हमें अच्छे से भूनना पड़ता है तभी जाके उसका टेस्ट आता है, अच्छे से भूनना चाहिए तभी उसका अच्छे से टेस्ट आएगा और उसके ऊपर जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा उसका और अच्छे से भुना जाएगा वो मसाला। तो जब तक ऑयल नहीं छोड़ता है मसाला तब तक आप समझ जाना कि ये हुआ नहीं है, जब ऑयल छोड़ने लगेगा मसाला तब ये हो चुका होगा, तब आपको मसाले ऐड करने हैं, मतलब जैसे लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर वगैरह, तो ये सारे मसाले उसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा जो लाल मिर्च पाउडर है ज़्यादा हो गया था इसमें, इस वजह से मैंने निकाल लिया वो, नहीं तो बहुत तीखा हो जाता है, बच्चे खाते भी नहीं है। तो इस तरह से सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से और भी भूनना है आपको, मतलब जब तक मसाला तेल ना छोड़े। ये यहाँ पर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर अलग से रख दी हूँ और ये एवरेस्ट का गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ और अच्छे से भून लेना है आपको। अगर आपको तेल ज़्यादा चाहिए तो आप तेल भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा कम तेल यूज़ करती हूँ, किसी ने मुझे कहा भी था कि आप इतना ऑयल कम यूज़ क्यों करते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से ना, मतलब वो होता है ना, ज़्यादा ऑयल हो जाती है सब्ज़ी और वो कुछ काम के नहीं, हेल्दी नहीं रहती है, हेल्दी तो कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी रहती ही नहीं है, बट ज़्यादा ऑयल आप यूज़ ना करो तो ही अच्छा है। थोड़ा सा कम ऑयल यूज़ करो, थोड़ा सा टेस्ट इसका बिगड़ जाता है, मतलब इतना भी नहीं, जिनको आदत हो जाती है कम ऑयल में खाने की उनके लिए तो ठीक है, बट जिनको आदत नहीं है कम ऑयल में खाने की तो उनके लिए तो ये सब्ज़ी खाई नहीं जाएंगी, बट मैं थोड़ा सा कम ही ऑयल यूज़ करती हूँ। उसके बाद उसको उबाल आने देना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपको, गर्म पानी ऐड करना है मसाले में और उसके बॉईल होने देना है, फिर जो आपने एग्स बॉईल किए थे वो आपको डाल देना है उसमें। एक्चुअली एक बॉयलर में मैंने डाल दिए थे, एग बॉईल कर लिए थे और किसी ने मुझे ना ट्यूटोरियल पूछा था उसका, मतलब उसे यूज़ कैसे करना है एग बॉयलर को, तो एक्चुअली मैं भूल गई, मतलब जब मैंने उसमें डाला ना एग बॉईल करने के लिए तो मैं भूल गई आपको बताना कि कैसे यूज़ करना है। अगर आपको चाहिए हो, मतलब देखना है आपको कैसे यूज़ करती हूँ मैं
मैं एक बॉयलर, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे किस किस को देखना है, तो मैं आपको बता दूँगी। तो इस तरह से मैं फोक से उसे थोड़ा सा वो छेद कर रही हूँ ताकि उसमें अपना मसाला अच्छे से चला जाए। तो छेद करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें अंदर तक मसाला नहीं जाता है। तो इसी वजह से मैं छेद कर रही हूँ इसी तरह से फोक से, और आप टूथपिक से भी कर सकते हो। तो मैं फोक से, मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, इसी वजह मैं उससे जल्दी जल्दी हो जाता है तो मैं फोक से कर लेती हूँ। श्रीकांत ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है आजकल मेरी, तो अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा वो उसको भी बोर हो रहा है और वो भी घर पे रह रहा है मेरे, तो इसी वजह से बहुत हेल्प कर रहा है मेरी। और इस तरह से उसने अंडे वगैरह थोड़ा सा छील दिए थे, उसके छिलके निकाल दिए थे मुझे, और उसके बाद मैं उसको डाल दे रही हूँ। मसाला भी उसने ही बना के दिया था, तो वैसे उसकी हेल्प मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है आजकल। हाँ, इनको टेंशन नहीं रह रहा है, श्रीकांत रहता तो इनको टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है मुझे मेरी हेल्प करने का। यहाँ पर अंडा करी जो है वो रेडी हो चुकी है, थोड़ा सा धनिया जो है गार्निशिंग के लिए डाल दिया था मैंने, और रोटियाँ भी बन चुकी थी मेरी, तो यहाँ पर हॉटकेस में रोटियाँ डाल दूँगी और इसके बाद खाना खा लेंगे हम लोग। गाइस, डिनर बन चुका है और मैं लेने वाली हूँ ये कड़वे नीम का रस। एक्चुअली श्रीकांत ना जब से गुड़ी पाड़वा हो गया, मतलब गुड़ी पाड़वे के दिन से, गुड़ी पाड़वा जब से हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि गुड़ी पाड़वे के दिन से जो है वो 7 दिन तक अगर ये जूस लेते हैं तो अच्छा रहता है बोलते हैं, मतलब उस टाइम से हम लोग के यहाँ पे लेते हैं। तो वो ना डेली नीम के पत्ते ला रहा है ऑफिस जा रहा है तो, और घर पे आके डेली जूस बना रहा है और मेरे लिए इतना रख रहा है, तो डेली मुझे उसके डर की वजह से लेना पड़ रहा है। अभी मैंने कितनी देर से लिया नहीं था, तो अभी बोल रहा है कि नहीं लेना है आपको और कंपलसरी है, लेना ही है। इसी वजह से अभी इतना जूस रखा है, मैं आपके सामने डाल दी हूँ। डेली 1 कप जूस रख रहा है मेरे लिए और मुझे पीना ही पड़ रहा है, ये नाक बंद करके पी रही हूँ मैं, इतना कड़वा है ये। फिर भी एक्चुअली ये कड़वा तो रहता है बट अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो इसी वजह से मैं भी पी ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर कड़वा लगता है उसके ऊपर मैं पानी पी लेती हूँ, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप डेली भी समर में पियो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बट डेली मिल्क से पिया नहीं जाएगा यार, ये 8 दिन तो कैसे जा रहा है मुझे ही पता है। अभी ये वो जब तक बनाएगा तब तक मैं पीऊँगी, जब वो बनाना बंद कर देगा मैं खुद से नहीं बनाने वाली बाबा, ये अभी पी लेती हूँ। देखो मैं कैसे पीती हूँ, एकदम से नाक से सांस भी नहीं लेती हूँ, एक घूंट में पी लेती हूँ। बहुत ज्यादा कड़वी टेस्ट, बहुत ज्यादा कड़वी। इसकी वजह से ना डिनर भी नहीं जाता मुझे, इसकी स्मेल और इसकी टेस्ट ही याद आती डिनर के टाइम पे। बट कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, अभी जब तक वो बनाएगा तब तक तो मैं पीऊँगी। पीने के टाइम बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है यार, हेल्दी रहना है आपको तो ज़रूर आप भी पीजिए। थोड़ा सा कड़वा लगेगा, थोड़ी देर कड़वा लगता है बट उसके बाद मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है। बट ना डिनर के टाइम पर मुझे जब याद आता है ना, बस मैं डिनर नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। तो चलिए, बहुत लेट हो गया है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।